हेलो एवरीवन, मायसेल्फ डॉक्टर नेहा खेरा, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रीथिंग पैटर्न या टेक्निक के हेल्प से हम कैसे कैसे पेन को रिड्यूस कर सकते हैं और बॉडी की हीलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 4-5-6 ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में कि जिसको करने से हमारी बॉडी में रिलैक्स फील होता है, पेन रिड्यूस होता है और टिश्यू हीलिंग जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो हम पहले बात करते हैं कि 4-5-6 ब्रीथिंग पैटर्न क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो जब भी हमारी बॉडी में पेन हो या फिर हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको हील करना हो तो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और लेकिन होता क्या है कि जब हमें पेन हो या स्ट्रेस हो तो हम शैलो ब्रीदिंग लेते हैं, यानी छोटी छोटी ब्रीदिंग लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, तो जिसके कारण से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो रिपेयर जो होता है टिश्यू का वो डिले हो जाता है। तो 4-5-6 ब्रीदिंग पैटर्न को करने से हमारे टिश्यू हीलिंग भी बहुत जल्दी इंप्रूव होती है, बॉडी में बहुत रिलैक्सेशन फील होता है और जो पेन है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये 4-5-6 ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है। 4-5-6 ब्रीदिंग पैटर्न में आपको डीप ब्रीथ यानी गहरी गहरी सांसें लेनी होती है। तो हमें 4 का मतलब होता है कि इनहेल करना है, यानी कि गहरी सांस लेनी है आपको। इनहेल 4 सेकंड तक करना है, 5 सेकंड तक उसको हमें होल्ड करना है और 6 सेकंड तक एक्सहेल यानी कि जो आपने सांस को होल्ड करके रखा है उसको छोड़ना है। तो और आपको इस ब्रीथिंग पैटर्न को आपको एब्डोमिनल से ब्रीथ करना है, यानी चेस्ट ब्रीथिंग नहीं करनी है। जो हम शोल्डर उठा के और छाती चौड़ी करके हम जो डीप ब्रीथ लेते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको एब्डोमिनल से ब्रीथ करनी है, यानी आपको पेट को फुला के ब्रीथिंग करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले पेट पे हाथ रखना है और पेट से यानी पेट को फुला के लंबी गहरी सांस लेनी है 4 सेकंड तक। आप देखेंगे जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो ये पेट आपका जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। 4 सेकंड तक आपने इनहेल किया, फिर होल्ड करिए 5 सेकंड तक और आप एक्सहेल यानी कि छोड़िए 6 सेकंड तक। इस तरह से आपको 4-5-6 ब्रीदिंग पैटर्न को परफॉर्म करना है, यानी 4 सेकंड तक आपको इनहेल करना है, 5 सेकंड तक होल्ड एंड 6 सेकंड तक आपको एक्सहेल यानी कि लंबी गहरी सांस को आपको जो आपने ले के होल्ड करी है उसको छोड़ना है। तो इसको परफॉर्म करने से आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा और टिश्यू जल्द से जल्द हीलिंग फील होंगे और आप खुद देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सबको ये बताइए कि छोटी सी एक ब्रीथिंग पैटर्न को करने से आप कितना रिलैक्स फील कर सकते हैं, आपका पेन रिड्यूस कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।